कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का मैथ, जिसमें से हमने जो है सबसे पहला चैप्टर जिसमें वास्तविक संख्या था, इसका हम कंप्लीट 5 वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे आप जाके इस वीडियो को देखिए, जिसमें 1 से लेकर आपका 5 तक है ना, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपका कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो को आप निश्चित देखें। यह आपका दूसरा अध्याय है जिसका नाम है आपका बहुपद। अब दूसरा अध्याय हम चालू कर रहे हैं जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है यदि fx इक्वल टू, यहाँ देखिए fx बराबर दिया है एक्स क्यूब है ना, यहाँ fx इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, 5x² प्लस 2x उसके बाद दिया है प्लस 2। कर f1 बताइए कितना होगा, f1 पूछा है यानी f1 हमें बताना है। देखिए x के सीधा हम क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 का मान रखिए, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, हल कर लीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होगा जाएगा प्लस देखिए 2 इंटू 1 ये आपका 2 हो गया प्लस ये आपका 2 हो गया। चलिए इनको हल करते हैं, इसको घटाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 1 में अगर माइनस 5 गया तो माइनस 4 प्लस 2 ये 4 हो गया, तो 1 माइनस 4 1 प्लस 4 सब मिला के 0 हो गया। ये हो गया आपका पहला, यानी पहला ऑप्शन हो गया आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए रैखिक बहुपद के जो होते हैं शून्यकों की संख्या 1 होती है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये बात द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछते द्विघात बहुपद के, तो उनका कितना होता 2 हो जाता, लेकिन रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है 1। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये बहुपद दिया हुआ आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8, इसमें घात बताना है पावर बताना है। देखिए वाई पर अधिकतम घात कितना है आपका 2 है, तो ये ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन यानी 2। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 2x² माइनस 3x उसके बाद माइनस 5, इसमें कह रहा है शून्यक बताइए। देखिए ऑप्शन ए से आप चेक कर लीजिए, पहले 1 है, उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है कितना आपका माइनस 1, सी ऑप्शन दिया आपका 0 दिया है। तो ऐसा कीजिए ये जो 1 है ना, इसको 1 को रख के देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ 2 × 1 रख के चेक करते हैं, 1² माइनस 3 × 1 माइनस 5 दिया है। देखिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और 2 बचेगा इधर, 2 × 1 = 2 माइनस 3 × 3 माइनस 5, इनको हर घर घरे घटाएंगे तो माइनस वन और माइनस 5, तो 0 नहीं ना रहा है, 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाता तो यही इसका आंसर हो जाता। तो ये बल्कि -1 रख के चेक करते हैं, -1 देखिए यहाँ पर आपका -1 है, तो रख के देखिए यानी 2 × कितना रखेंगे 1² -1² उसके बाद है -3x यानी -3 × -1 उसके बाद क्या दिया -5 दिया। देखते हैं 0 होता है कि नहीं, देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 × 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस, 3 × 3 ही होगा, लास्ट में आपका -5। अब देखिए यह 3 × 2 = 5 हो गया, -5 हो गया, देखिए 0 आ गया ना, तो यही आंसर हो गया आपका -1 यानी बी ऑप्शन हो गया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो सी को भी रखिए, देखिए सी जो है ना नहीं होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कर बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों की संख्या का योग बताइए, यानी कितने शून्यक होंगे इनका योग बताइए कितना होगा। देखिए 5y² दिया है, उसके बाद माइनस 14y दिया है, उसके बाद दिया आपका प्लस 8, तो a बराबर आपका कितना हो गया 5 हो गया, b बराबर जो हो गया y के कोफिशियंट यानी माइनस 14 हो गया, और c बराबर आपका जो हो गया ये हो गया 8। चलिए ठीक है, अब हमसे पूछा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ये बोलते हैं। अब ये मालूम होना चाहिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। तो बी का मान देखिए माइनस अपने जगह पर, बी का मान यहाँ देखिए माइनस 14, तो माइनस यहाँ माइनस दोनों मिलकर हो गया प्लस, यहाँ देखिए माइनस 14 है
यहाँ आपका माइनस बी है, तो दोनों माइनस 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 आपका प्लस हो गया। उसके बाद देखिए तो बी के जगह पर हम कितना रखेंगे 14, और नीचे आपका ए, ए के जगह पर देखिए आपका 5, यही आंसर हो गया 14/5, आंसर हो गया आपका सी। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वीडियो अगर पसंद लगी है तो इसको लाइक करते रहें और शेयर भी करते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, आपका 6 नंबर का स्क्वायर माइनस कितना दिया है, हाँ वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। देखिए गुना कर दीजिए, वाई स्क्वायर को जब ये दोनों को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा वाई बचेगा और प्लस 3 गुना वाई स्क्वायर, तो ये कितना होगा आपका 3y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पावर एक है, अब भागा रहे तो पावर घटता है, तो 2 में ही एक पावर घटेगा, एक के पावर बचेगा यहाँ, अब प्लस कितना 3y स्क्वायर, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर। देखिए ये आपका ये होगा, हाँ बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो गया आपका। 2021 का देखिए क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए 7 का कह रहा है कि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है, यानी पी एक्स का एक गुणनखंड आपका दिया है एक्स प्लस 1 दिया है। चलिए बहुत अच्छा, तो पी एक्स का यहाँ कह रहा है पी एक्स का शून्य क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, पी एक्स का शून्य पूछा क्या होगा, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 होगा, तो निकाल लीजिए एक्स इक्वल टू आपका कितना हो माइनस 1। ये सबको आप 9th में भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया माइनस 1, ये हो गया पहला ऑप्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 21 में, क्वेश्चन दिया पी एक्स इक्वल टू आपका दिया पी एक्स बराबर दिया है क्यू एक्स इंटू जी एक्स दिया है, क्यू का दिया हुआ है पी एक्स बराबर जी, उसके बाद दिया है घात जो है ना पी एक्स का घात, पी एक्स का घात 6 है ठीक है, जी एक्स का घात जो है जी एक्स का घात क्या है 2 है ठीक है। तो हमसे पूछा है कि पी एक्स बाय कितना जी एक्स, पी एक्स बाय जी एक्स का घात बताइए कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका जो है मान लेते हैं कह रहे पी एक्स का घात अगर 6 है तो मान लेते हैं एक्स टू दी पावर कितना है 6 है, और जी एक्स देखिए जी एक्स का घात पूछा है, तो ये जो क्यू एक्स है इसका घात मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, तो भागा रहे तो ये देखिए घात घट जाएगा, तो एक्स पावर 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4, आंसर हो गया आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया 4। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 11 कर इसके शून्य क्या होंगे, तो बराबर 0 लगा दीजिए, निकाल लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे माइनस 11 इधर आएगा बराबर इस प्रकार, तो प्लस 11 एक्स बराबर क्या होगा रूट 11 है ना, लेकिन एक को प्लस में एक माइनस में, तो यही आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया, नहीं बी ऑप्शन नहीं हुआ, देखिए एक के को रूट लगा हुआ, ये हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। देखिए ये कितना कन्फ्यूज कर दिया, यहाँ पर देखिए रूट लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पर रूट लगाया हुआ है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये आंसर डी हो गया। 21 का क्वेश्चन पूछा गया -2x और उसके बाद -3, इसके शून्य कौन कौन है, तो करना कुछ नहीं बराबर 0 उसका गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ इसके पीछे और यहाँ पर गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और यहाँ से गुना कीजिए 3 आएगा, हमको बीच वाला पुराना है गुणनखंड कर लीजिए 3 × 1, ये दोनों को घटा देते हैं 3 में 1 तो आपका 2 आता है, हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर। तो देखिए -2 पुराने के लिए देखिए इसको प्लस में रखना होगा, इस एक को यानी एक्स को प्लस में रखिए और -3 घटाइए, देखिए आपका -2 आ रहा है ना, इसमें एक्स लगाइए लास्ट में -3 इक्वल टू कितना होगा 0, ये हो गया -3 उसके बाद हो गया -3 इक्वल टू 0, ये हो गया गुणनखंड कर लीजिए एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका एक्स प्लस 1 बचेगा, देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो कॉमन -3 आएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, हल कर लीजिए। अब देखिए 2 बार ही एक्स प्लस 1, यहाँ भी एक्स प्लस 1 2 बार है तो एक बार लिख दीजिए एक्स प्लस 1, इधर हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, निकाल लीजिए एक्स बराबर 2 मान निकले, एक मान निकलेगा, इसको जब मान निकालेंगे तो -1, इसको हल करेंगे 3 -1 3, आंसर हो गया आपका -1 3, ये नहीं है -1 3, ये बी ऑप्शन हो गया आपका। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है बहुपद, ये दिया है 2 - x × x - 1, इसके कारण शून्यकों का गुणनफल बताइए, पहले इसको सरल कर लेते हैं, 2 - ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस, एक्स गुना एक करेंगे तो एक्स से हो गया,
अब इसको सजा लेते हैं अच्छी तरह। पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद एक्स वाले को इस जगह लिख दिए प्लस एक्स, इसको लिख दिए यहाँ प्लस टू। अब ए जो है वो मेरा हो गया माइनस वन, बी जो हो गया वो हो गया एक्स के पीछे, देखिए एक्स का कोफिशियंट यहाँ एक है, एक लिखेंगे। सी बराबर कितना हो गया दो। अब हमें तीनों चीज़ मालूम हो गया ए बी सी। अब हमसे पूछा है कि गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये पूछा है हमसे, इक्वल टू सी बा ए होता है, ये आप सबको ही मालूम होगा। सी का मान देखिए यहाँ दो है, दो रख दीजिए, ए का मान माइनस वन, तो आंसर देखिए यानी माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया, तो आंसर देख लीजिए ये आपका ए ऑप्शन हो, 11 का ए, 11 का ए देख लीजिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा था 20 में पूछा था, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद हैं, देखिए बहुपद इसमें बताना है कौन बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है, 5x सही है, लेकिन यहाँ एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स जो है एक्स पर पावर जो है यानी रूट लगा हुआ है, मतलब एक्स पावर 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं, हमें चुनना कौन बहुपद है, ये बटा रूप एक्स का, एक्स पर पावर यदि बटा वाला आ जाए ना तो ये बहुपद होगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत। यहाँ भी देखिए, यहाँ इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर इसको हल करते हैं, रूट एक्स प्लस वन बाय फिर दिया है रूट एक्स है, उनको हल करेंगे तो नीचे तो रूट एक्स बच जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स एन होगा, अब प्लस कितना होगा अब प्लस वन, देखिए ये नहीं आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है, तो आंसर होगा ये। इसलिए देखिए x पर पावर देखिए 2 है, एकदम से x स्वतंत्र, x पर पावर यहाँ 1 है, यहाँ रूट 6 है, तो आंसर हो गया आपका यही डी, ये सारा ऑप्शन गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, कौन यानी कि तीन को बहुपद है एगो उसमें बहुपद नहीं है, ये चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन देखिए पहले x का घात देख लीजिए, यहाँ पर x पावर 2 है, एकदम सही है, x पावर 1 है, ये बहुपद है, हमें चुनना है कौन बहुपद नहीं है, ये तो नहीं है। एक्स क्यूब ये बहुपद है, हमें चुनना कौन नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। ये एक्स पर पावर 1 है ना, एक्स पावर यहाँ देखिए, यहाँ एक्स पावर 1 है, ये बहुपद है, ये ऑप्शन है, हमें चुनना है कौन नहीं है, तो ये नहीं है, देखिए बटे रूप में है, ऊपर जब भेजेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो डी ऑप्शन 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन बहुपद हैं कौन नहीं है, तो इसलिए इसको देखिए बहुपद होने के लिए जो एक्स का जो घात होना चाहिए, एक्स का जो पावर होना चाहिए है ना, चर संख्या का जो पावर होना चाहिए ऐसे होना चाहिए 1, 2, 3, 4 यानी मतलब ये समझिए कि ये आपका नेचुरल नंबर प्रागर संख्या होना चाहिए, बटे वाला आ जाए माइनस वाला आ जाए तो वो कभी बहुपद नहीं होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स लास्ट में क्यू दिया माइनस क्यू, शून्य एक दूसरे के व्युतक्रम हो, एक दूसरे के व्युतक्रम हो तो क्यू का मान बताइए, हमें क्यू का मान पूछा है, एक दूसरे के व्युतक्रम हो, देखिए क्यू का मान पूछा है इसमें, कह रहा है कि इसके शून्य जो हैं देखिए द्विघात समीकरण है, इसके शून्य कितना होंगे दो होंगे, एक दूसरे के व्युतक्रम देखिए, अगर व्युतक्रम हो ना तो अगर लास्ट में जो ये सी है इसका मान जो है एक होता है, इनको याद रखिए, उल्टा से गुना करने पर एक, तो आंसर हो गया बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात में इसके शून्य बताइए, देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका शून्य बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x उसके बाद यह प्लस 2, आराम से निकाल सकते हैं इसका गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 हल कर लीजिए, x बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, इधर प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0, दो बार लिखा होगा x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 लिख दीजिए, इधर होगा आपका x प्लस 1 बराबर 0, तो x के शून्य दो को निकला, x बराबर कितना हो गया ये उधर चल जाएगा, तो माइनस 2 एक ये निकला शून्य, दूसरा हो गया माइनस 1, इधर जब निकला इसका जब हल करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 1, ये पहला ऑप्शन हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आप 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, पी एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो पी एक्स का एक शून्य है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x उसके बाद माइनस 4 दिया, कर इसका एक शून्य है तो शून्य है, तो ये ऑप्शन देखिए, अगर ये ऑप्शन रख के देखिए, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है 2 यानी x की जगह पे आप 2 रखिए, यानी पी एक्स बराबर अगर इतना है तो हम
एक्स की जगह पर हम दो रखेंगे, एक्स की जगह पर अगर हम दो रखेंगे यानी पी टू निकालेंगे, अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए निकालिए, दो रखेंगे, देखिए दो का स्क्वायर चार हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए दो का, यहाँ दो रखेंगे दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, माइनस यहाँ तीन गुना ये दो, एक्स बराबर दो रखिए, तीन दूनी छः होगा, लास्ट में चार है, ये प्लस माइनस गायब हो गया, माइनस छः बराबर जीरो नहीं आया, तो नहीं ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर चार रखेंगे, बी ऑप्शन में देखिए चार है, यहाँ चार रखते हैं, चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर चार रखेंगे, चार तिया बताइए, चार तिया आपका बारह, और माइनस यहाँ आपका चार है ही, चार रखिए, देखिए ये जीरो आ रहा है, आराम से आ रहा है, सोलह माइनस, अब यहाँ भी माइनस आपका सोलह माइनस चार, तो भाई बारह चार, बारह चार आपका सोलह, तो सोलह सोलह जीरो आ गया, तो यही ऑप्शन हो गया आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल आठ है, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, गुणनफल आपका आठ दिया है, चलिए ए का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए एक द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए दिया है, तो सोचिए यहाँ पर ए बराबर कितना होगा आपका, एक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है एक है, बी बराबर कितना है आपका, देखिए बी बराबर आपका कितना होगा, एक्स का कोफिशियंट देखिए यहाँ नाइन है, तो बी बराबर आपका माइनस नाइन होगा, और सी बराबर आपका कितना है, सी बराबर आपका ए। ये तीनों चीज़ मालूम हो गया उनसे, द्विघात बहुपद से। अब देखिए यहाँ पर दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आठ है, लेकिन हम कितना जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए, सी बटा ए होता है बराबर आठ, सी का तो मान है मालूम, सी का, हाँ सी का मान यहाँ कितना है, देखिए सी का मान कितना है बताइए, सी का मान ए है, तो इस सी के जगह पर हम कितना रखेंगे ए, लेकिन ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ कितना है आप, एक है, एक रखिए बराबर कितना आठ, तो बताइए ना ए बराबर कितना होगा, आठ हो गया, ए बराबर आठ हो गया, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन देखे दिया, यदि बहुपद पी एक्स बराबर यहाँ दिया है, पी एक्स बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस होगा आपका 2x, उसके बाद लास्ट में 6 दिया है, ये देखिए आपका दिया है, करें कि शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बहुत आसान क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बताइए, सी कितना है आपका, सी आपका माइनस 6 है कि नहीं बताइए, माइनस 6 हो गया, और ए कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताइए एक है, तो आंसर ये हो गया माइनस 6 बटाइए, यानी कि माइनस 6 बी ऑप्शन हो गया। 19 का क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन, यदि बहुपद यहाँ आपका दिया हुआ है 19 में, यदि बहुपद आपका एक्स स्क्वायर उसके बाद दिया है प्लस ए एक्स माइनस बी है ना, यहाँ करें मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हों, तो ए का मान बताइए, मूल बराबर मतलब अल्फा बराबर बीटा हो, अल्फा बराबर क्या हो आपका बीटा हो, विपरीत चिन्ह वाला हो, यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लेकिन दोनों बराबर हो, तो हमसे पूछा है कि ए का मान बताइए, यानी ए का मान क्या होगा, यहाँ यहाँ ए का मान पूछा है कितना होगा, एक माइनस एक दो जीरो, ये ऑप्शन ऑप्शन दिया है। देखिए सबसे पहले विपरीत, यहाँ पे एक शर्त है, विपरीत चिन्ह के अगर होंगे तो इसको तो जीरो बनना पड़ेगा, दिमाग लगाइए, इस ये जीरो बनेगा तब ना आप एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, बी जगह पे एक के रहेगा, ठीक है, तब ना आप बराबर जीरो दे के आप इसका शून्य निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये एक इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तब ना एक्स का जो मान निकलेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक ऐसे जानबे करते हैं, तब इसका वर्गमूल निकालिएगा, तब एक प्लस में आंसर, यानी एक प्लस शून्य होगा एक माइनस शून्य होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ए को क्या होना होगा, जीरो होना होगा, तो आंसर हो गया आपका डी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पेचीदादार क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। चलिए इसको याद रखिए, मूल बराबर हो यानी अल्फा बराबर बीटा हो, और विपरीत चिन्ह के यानी वो प्लस माइनस हो, तो यहाँ पर जीरो होना होगा, यानी ए का मान कितना होगा, तो जीरो होगा, जैसे उदाहरण यहाँ पर हमने दिया एक्स स्क्वायर बड़ा, इसको जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो मतलब जीरो हटाइए इनको, तो अब बी माइनस बी जगह मान लो कोई भी संख्या होगा, ये इधर आएगा तो प्लस में एक बार माइनस में, रूट लगने के बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो गया आंसर जीरो, तो आंसर हो गया आपका डी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 20 का देखिए क्वेश्चन दिया, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका माइनस तीन है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस तीन, और गुणनफल जो है आपका दो है, यानी अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका दो है, तो कह रहे किस बहुपद का, तो क्या कीजिए जानबे करते हैं, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है जान लीजिए, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। बस मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए कितना दिया आपका, माइनस तीन दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस यहाँ पर तीन दिया, तो माइनस तीन दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जगह पे हम कितना लगाएंगे, है ना, माइनस तीन, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस तीन दिया है तो माइनस तीन को घेर के लिखेंगे इसे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी माइनस दो दिया है, दोनों माइनस सेम है ना, यहाँ गुणनफल भी गुणनफल दिया है, सॉरी गुणनफल जो है आपका दो दिया है, प्लस में ही दो दिया है तो यहाँ प्लस ही लगेगा, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस थ्री एक्स, अंतिम में क्या है ये तो दुए ने बचा है, प्लस दो दिया है तो प्लस दो, देखिए किस ऑप्शन में ये चीज़ें दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये देखिए पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यही ना ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। अभी इसका एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको ऑफलाइन में भी कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन देखिए, 2 पर पावर एक्स एक्स प्लस वाई दिया है इक्वल टू, फिर दिया 2 एक्स माइनस एक्स माइनस 2 टू दी पावर एक्स माइनस वाई दिया है इक्वल टू दिया है रूट एट, ये दिया है। चलिए पहले इन दोनों को देख लीजिए, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी 2 एक्स पर पावर वाई, अब 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर कितना होगा आपका, 2 पर पावर 3 होगा, और 2 पावर 3 होगा, इसके ऊपर में आपका रूट लगा, ऐसा कीजिए 8 लिखने 8 ऐसे लिखिए, और रूट जब ख़त्म करेंगे ना तो इस पर पावर कितना होगा 1/2, रूट हटने के बाद पावर 1/2, 8वां पर होंगे इसको। अब 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई, 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई, 8 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 पर पावर 3 है ना, और इस पर होल पावर कितना है 1/2, पावर पे पावर रहे तो गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा, 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब 2 पर पावर ये हो गया 3/2। अब बताइए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब ये ऊपर बराबर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 3/2, ऊपर वाले को हम मिटाते हैं। तो हमें ये मालूम हो गया एक्स प्लस वाई जो है वो हो गया आपका 3/2। उसी तरह जब ये मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जब ये मान निकालेंगे आप, अब एक्स माइनस वाई बराबर ये भी तो होगा 3/2, तो हमसे पूछा है वाई का मान, देखिए वाई का मान पूछे तो इसका ट्रिक देखिए, एक्स का अगर मान पूछे जोड़ के आधा, ये दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, और वाई का जब मान पूछिए तो घटा के आधा, इन दोनों को घटा दीजिए आधा कर दीजिए, या विलोपन विधि जिंदाबाद है ही। देखिए y को अगर y का मान अगर निकालना हो तो इसको घटाइए, इसको आप घटाइए, घटाने में चिन्ह बदलेगा, और जोड़ेंगे तो कटिए जाएगा, देखिए y y प्लस माइनस से कटिए जाएगा, आप घटाइएगा चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों गायब हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, अब देखिए क्या होगा, वाई वाई कितना हुआ है 2y हो जाएगा ना बराबर, ये दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/2 घटा 3/2 जीरो होगा, वाई बराबर कितना होगा 0/2, मतलब जीरो हो गया, वाई बराबर जीरो होगा, देखिए किस ऑप्शन में जीरो है, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन समझे नहीं, इसको समझना होगा आपको, इसको समझना होगा, बहुत अच्छा सवाल है, 18 क्वेश्चन पूछा गया। 22 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, यदि यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल समान हो तो निम्न में कौन सा, मतलब क्या होगा, देखिए बहुत द्विघात समीकरण का सवाल हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो कह रहे मूल समान हो, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा होगा ना, तो क्या होगा, अल्फ़ा बराबर बीटा अगर होगा तो याद रखिएगा कि डी का मान जीरो होगा ना, तभी ये होगा, डी बराबर जीरो होगा, हाँ डी का मान अगर जीरो आ जाए, डी बराबर जीरो होगा तभी अल्फ़ा बराबर बीटा होगा। बताइए डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, देखिए किस ऑप्शन में ये बातें हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी स्क्वायर फोर ए सी सेट यही होगा, देखिए बहुत चालाकी काम किया है, देखिए बी स्क्वायर इसको उधर भेज देंगे, माइनस फोर ए सी इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, फोर ए सी प्लस एम ना, तो यही आंसर हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया 22 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो गया। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कर बहुपद एक्स वाई पर पावर 3 है, फिर 2 वाई पर पावर 2 है, यहाँ वाई पर पावर 1 है, 1/2 है, इसका करें घात बताइए,
आराम से बता सकते हैं। यहाँ घात आपका तीन है, दो है, एक है, तो सबसे बड़ा कौन है आपका? तीन इन है। आंसर हो गया सी। बहुत आसान क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 का क्वेश्चन कर रहा है कि पी का मान जिसके लिए बहुपद यहाँ पर दिया है पूर्णतया एक्स माइनस वन से विभाज्य है, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस आपका एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है यहाँ पर देखिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, लास्ट में आपका एट दिया प्लस एट। कर पूर्णतया एक्स माइनस टू से भाज्य है, मतलब एक्स माइनस टू से ये पूरी तरह से भाग लग जाता है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि p का मान बताइए कितना, यानी p के जगह पर आपका कौन सा मान होगा। देखिए पूर्णतया अगर विभाज्य है किससे, x माइनस टू से, तो बराबर जीरो। तो x का मान हम कितना रखेंगे, x का मान हम दो रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मान दो रखिए। चलिए पेन बदल लेते हैं, यहाँ पे दो रख दीजिए, टू क्यू प्लस फोर इंटू एक्स के जगह पे टू रखेंगे, है ना, x बराबर दो रखेंगे, स्क्वायर माइनस पी इंटू टू हो जाएगा लास्ट में एट, बराबर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। बस समीकरण बन गया, हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। देखिए टू क्यूब आठ होगा, नहीं टू क्यूब एट होगा, प्लस देखिए टू स्क्वायर, टू स्क्वायर ये भी आपका दो दूनी चार, चौके सोलह हो गया आपका, है ना, दो का स्क्वायर चार चौक सोलह, माइनस पी गुना टू, है ना, टू इंटू पी तो मतलब टू पी, आप प्लस कितना हो गया आपका एट इक्वल टू जीरो। चलिए हल कीजिए इसको, देखिए सोलह आठ यहाँ भी है, एट एट आठ आठ सोलह और सोलह आपका कितना हुआ बत्तीस, मतलब माइनस टू पी बराबर माइनस टू पी को इधर ही रहने दिए, देखिए आठ सोलह आठ सबको जोड़ेंगे तो बत्तीस, ये इधर आएगा तो माइनस बत्तीस ही ना होगा, इधर का माइनस ख़त्म, इधर का माइनस ख़त्म, दो का दो वे सोलह दूनी बत्तीस, तो पी का मान हो गया आपका सोलह, पी का मान हो गया आपका सोलह, डी ऑप्शन हो गया। देखिए डी ऑप्शन में है ना सोलह आपका दिया हुआ। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये आज का था, एक से लेकर हमने 24 तक क्वेश्चन कराए। देखिए वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।